अब एक नई वैरायटी शुरू होती है क्वेश्चंस की. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट टू कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूम, बनाए जा सकते हैं इन वॉल्यूम से. क्वेश्चन क्या है, तीन वॉवल्स होने चाहिए एंड टू कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए. तीन वॉवल दो कॉन्सोनेंट कैसे करें? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान समझो, ये इनवॉल्यूट है, इसमें भी मेरे को बताओ वॉवल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं. आई ओ यू ई. कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, एन वी एल टी, राइट. यहां तक क्लियर? कितने चूज करने बेटा, वॉवल्स कितने चूज करने हैं, तीन, और कॉन्सोनेंट दो. तो क्या हो जाएगा सर, वॉवल्स तीन का. ध्यान सुनो, मैं पहले क्या करूंगा, फोकस करना, पहले मैं वॉवल्स चूज कर लूंगा, फिर कॉन्सोनेंट, और फिर उनका अरेंजमेंट कर दूंगा. आई एम रिपीटिंग, पहले वॉवल्स, फिर कॉन्सोनेंट, और फिर उनका क्या कर देना है, अरेंजमेंट. तो पहले वॉवल सिलेक्ट करो बेटा, कितने वॉवल चाहिए मेरे को, तीन है, कितने, तो क्या बनेगा, फोर सी थ्री इन टू कॉन्सोनेंट दो चाहिए और है चार, फोर सी टू. अब इनकी अरेंजमेंट कितने हो गए मेरे पास, लेटर्स कितने, पांच. तो अरेंजमेंट क्या होती है, फाइव फैक्टोरियल. बोलो क्लियर भाई. मैंने मान लो एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या करा, मैंने पहले तीन वॉवल्स निकाल लिए, ओ यू ई, ओ यू ई, यहां से निकाल लिया एन एल. अब ये मेरे पास वर्ड आ गया, इससे मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, फाइव फैक्टोरियल. याद है पहले के लिए पांच चार तीन दो एक, काम यहां पर भी करा हमने, क्लियर. एक मौका दू क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन नंबर वन राइट नाउ. हाँ क्वेश्चन क्या है, क्या ये ऐसे वॉवल्स, ये पूरा सॉल्व करना, हाँ सॉल्व तो करना, ये सॉल्विंग का काम आपको खुद का है. चलिए क्वेश्चन नंबर वन, हरी अप. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स, दो वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, डॉटर से बनाना है. बताओ बेटा डॉटर से बनाना है, पहले वॉवल्स बताओ डॉटर में कौन कौन से हैं, ए यू ई, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, डी जी एच टी आर. क्या होने चाहिए, दो वॉवल्स क्या हो जाएंगे, थ्री सी टू, कॉन्सोनेंट फाइव सी थ्री. यहां तक क्लियर, इन टू, अब कितने मेरे पास हो गए, फाइव. क्या करनी है, अरेंजमेंट क्या हो जाएगी सर, फाइव फैक्टोरियल. क्लियर, कंफ्यूजन पूछो बेटा, फाइव फैक्टोरियल क्यों है बेटा. मान लो आपने यहां से ए यू ई ले लिया, यहां से ले लिया जी टी आर, जी टी आर, ये हमने पहले सिलेक्ट कर लिए. अब ये बताओ इससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, पॉइंट क्लियर है. अगर मैं आपको नॉर्मली बोलते हैं डॉटर से कितने वर्ड बनाते हैं, आप क्या करते हैं, तो एट फैक्टोरियल करते हैं. चलिए आगे चले, एग्जैक्टली जितनी की अरेंजमेंट करती है. तो क्वेश्चन नंबर वन डन, अभी क्वेश्चन टू की बात नहीं कर रहा, एक मौका और देता हूं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, देन क्वेश्चन नंबर फाइव राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द इंग्लिश अल्फाबेट हैज फाइव वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. ये आप सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट 21 कॉन्सोनेंट्स है. How many words with two different vowels and two different consonants can be formed? मतलब बोलो बोलो, पांच क्या, पांच vowels है मेरे पास, पांच vowel है, कितने चाहिए उसमें से, दो, और 21 consonants है, कितने चाहिए उसमें से, दो. तो क्या हो जाएगा सर, 5c2 into 21c2, कितनी की अरेंजमेंट, फोर फैक्टोरियल. बस ये था पॉइंट. अच्छा एक क्वेश्चन फाइव देते हैं, बहुत सिंपल है, पढ़िए. हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, सिक्स डिजिट नंबर बनाने बेटा,
01357 9 से, यहां तक क्लियर? विच आर डिविजिबल बाय 10, जो क्या होना चाहिए 10 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। कैसे करूं बेटा, कौन सा बच्चा बताएगा? यस, 10 से डिविजिबल कब होता है बेटा? जब लास्ट प्लेस जीरो, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, 10 से डिविजिबल होगा जब लास्ट प्लेस जीरो है। तो लास्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 1, तो एक यहां पर आ गया। अब कितना रह गया? 5 4 3 2 1 120, ये था पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन एडिटर का किसी का गलत हुआ ना, मुर्गा बना दूंगा उसे। सेम है अब तो, चलो बता ही दो, जब इतना कर ही रहे तो पूछ ही लेते हैं। बताओ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग होना चाहिए, बताइए सर, एक किंग होना चाहिए, जल्दी बताओ। यस, आपको पता है 52 में से कितने किंग्स होते हैं हमारे पास? 4 किंग्स होते हैं और 48 अदर्स। यस, 4 में से कितने चाहिए? 1, और 48 में से कितने चाहिए होंगे? 4, क्या हो जाएगा बेटा? 4C1 × 48C4, क्लियर है? ओके, नहीं है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 पढ़ो बेटा, क्या कहता है, करोगे पूरा टाइम? चलिए क्वेश्चन 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन? इक्वेशन से वर्ड बनाने हैं, ठीक है? नॉर्मली यहां पे बोलता आप क्या करते, इक्वेशन अगर मैं बोलता यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप करता, क्या करते आप जल्दी बताओ? 8 फैक्टोरियल, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? बट अब क्वेश्चन क्या आ गया, तो देन कंसोनेंट्स अकर टुगेदर, कुछ केस याद है अकर टुगेदर वाला पढ़ाया था जब, हाँ बिल्कुल, उसको क्या करते हम एक काउंट करते हैं। वॉवल, वॉवल कितनी है बेटा? ई यू ए आई ओ। कॉन्सोनेंट कौन कौन से बेटा? क्यू टी एन। तो क्या करना है मेरे को, इनको अकर टुगेदर है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आए, तो यानी यस, यानी पूरा जितने भी वॉवल है उसको एक काउंट करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको 1 काउंट करना है। बोलो पहले यहां तक क्लियर? तो अब मेरे को बताओ अरेंजमेंट कितनी की करनी है? दो ही, दो आइटम ही तो ही, एक ये और एक ये। एक बार याद दिलाता हूँ, मेरे को पता थोड़ा सा भूल गए होगे, डॉटर वाला क्वेश्चन था हमारा। कहाँ रखा है मैंने, मिल नहीं रहा एकदम, कोई बात नहीं, यहीं से देख लेते हैं। मिसिसिपी, राइट? क्या है कंडीशन, क्या है? 4 आईज नॉट कम टुगेदर, 4 आई एक साथ ना आए, तो इसके लिए क्या करते थे? टोटल में से अकर टुगेदर माइनस। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा कई बच्चों को, मेरे को पता कई बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी घर पे, जिसका मैंने एक वर्ड बोल दिया, कोई भी वर्ड बोल लेते हैं, लेट्स से डॉटर की बात ही करते हैं, डॉटर है, कंडीशन है कि वॉवल्स एक साथ है। वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए यू ई, एक बार इस पर वापसी आ रहा हूं, सिर्फ वॉवल्स का बोला है मैंने, तो इन वॉवल को एक मान लो, राइट? कितना मानना है? एक। अब क्या रह गया? डी जी एच टी आर। तो सर कितने मेरे पास हो गए टोटल, तेज बोलो। 6, एक ये, 2 3 4 5 6, कितने की अरेंजमेंट करनी है? 6 फैक्टोरियल, क्लियर?
फिर क्या करते थे, इनटू जिसका आप पेयर बनाया, पेयर किसका बनाया था, वॉवल्स का, मल्टीप्लाई बाय इसकी अरेंजमेंट, इसकी अरेंजमेंट क्या है, 3 फैक्टोरियल। कुछ याद आया? तो सेम पॉइंट यहां पर भी लगाएंगे। उसने कहा सारे वॉवल्स और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, सारे वॉवल को 1 काउंट करा, सारे कॉन्सोनेंट को 1, तो कितने की अरेंजमेंट करनी है, 2, तो क्या हो जाएगा सर, 2 फैक्टोरियल इंटू में वॉवल की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये पॉइंट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। In how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all S are together? सारे S एक साथ आए। क्या करूँ? देखो A कितने हैं? A पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3। A है 3। S कितने हैं? 1, 2, 3, 4। फिर I कितना है? 2। N कितना है? 2। और टी कितना है? 1। अब कंडीशन क्या है हमारी? सारे एस एक साथ है, यानी सारे एस को कितना काउंट करना है अब? 1। तो अरेंजमेंट कितनी करनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैक्टोरियल। क्लियर है? क्या इस 9 में, इस 9 में कोई रिपीटेड भी है? चेक करो, ओ रह गया, एक ओ भी था बेटा हमारे पास, ओ। तो अब कितने की अरेंजमेंट करनी है? 10 की। एक मिनट बेटा, कोई अभी आगे नहीं चलेगा। क्या इस 10 में कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, हो रहा है। कौन? ए हो रहा है, आई हो रहा है, एन हो रहा है, राइट? नहीं आई बात समझ? आ गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बोलो यहां तक क्लियर? मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको पैकेज बनाया था, 1, 4 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटिशन, s 4 times है, 4 फैक्टोरियल, रिपीट भी हो रहा है, 4 फैक्टोरियल। क्लियर? ये था पॉइंट, ये तो कैंसिल ही हो गया। होमवर्क टाइम, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट तो पूछे पहले। टेन टाइम में रहेगा, 9 को कराना है, 5, 6, 7 और आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 20, 20, 21, 23 बस। एंड एक्सरसाइज 7.4।